पशुपालन विभाग द्वारा पशु चिकित्सा पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत पशु चिकित्सालय जीपीओ छावनी से की गई। देखिए ये खबर। टीकाकरण अभियान के जरिए सड़क के पशुओं की निशुल्क चिकित्सा, टीकाकरण, उनके रखरखाव और उनके स्वभाव को परखकर उनके आतंक को निस्तेज करने की जानकारी तथा आम लोगों को पशुओं, खासकर सड़क के श्वानों के बारे में जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड नई दिल्ली, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के आग्रह पर मध्य प्रदेश शासन, पशुपालन विभाग, जिला प्रशासन तथा नगर निगम के सहयोग से हमने ये निराश्रित पशुओं हेतु टीकाकरण एवं चिकित्सा शिविर लगाया गया है। इस पूरे पखवाड़े इंदौर के जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं और विकासखंड स्तरीय जो पशु चिकित्सालय हैं वहाँ पर हम निराश्रित पशुओं को रेबीज़ का टीकाकरण और यदि कोई बीमार है तो उसका हेल्थ चेकअप करके और उनको दवाइयाँ हम निःशुल्क देंगे, ये हमारा ध्येय है। इसके अलावा इस पखवाड़े के अंतर्गत हम भी एक काम और करने जा रहे हैं कि इंदौर ज़िले में जितने भी डॉग लवर या जीव जंतु कल्याण के अंतर जो लोग कार्य कर रहे हैं उनका हम एक डाटाबेस तैयार करेंगे और उसकी एक पुस्तिका छापेंगे और उसको हम पब्लिश करेंगे। तीसरा काम हम ये करने जा रहे हैं कि जो भी हमारे पशु क्रूरता से संबंधित जो लॉ हैं या जो हमारे रूल्स हैं उनको हम एक पंपलेट के रूप में छाप करके सभी डॉग लवर को देंगे और पूरी कॉलोनियों में इसको हम वितरित करेंगे जिससे पशु कल्याण के क्षेत्र में थोड़ी जागरूकता आ सके। इसके अलावा हम जो है निराश्रित पशुओं के अंतर्गत जो हमारी गौशालाएँ हैं वो कैसे आत्मनिर्भर हो इसके ऊपर भी हम एक कार्यशाला आयोजित करने जा रहे हैं और एक महत्वपूर्ण हम कार्य करने जा रहे हैं जो भी पशु विक्रेता हैं हमारे यहाँ इंदौर के अंदर हम उनको जागरूक करने जा रहे हैं कि पशुओं को उनके स्पेस के हिसाब से जो रिक्वायर उनका जो स्थान है उनको दें, पिंजरे बनाएं और उनको बहुत स्वस्थ वातावरण दें, वो अपना भी काम करें और पशुओं को भी अच्छा वातावरण देने का वो करें। ये हमारा पूरा पशु जो पखवाड़ा है, पशु कल्याण पखवाड़ा, इसमें हम ये गतिविधियां करने जा रहे हैं और आज हम इस गतिविधि का शुभारंभ शासकीय पशु चिकित्सालय छावनी संयोगितागंज से करने वाले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पशुपालन विभाग के द्वारा पशु चिकित्सा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत पशु चिकित्सालय जीपीओ छावनी से की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।